वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि फैसला सरकार के पक्ष में ही आएगा, अगर कोई दिक्कत आई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस पर राजनीति करने का भी इल्जाम लगाया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता आकाश शर्मा ने। आज हाईकोर्ट में ओबीसी को लेकर फिर सुनवाई हुई और 20 तारीख तक फैसला फिर सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, आज फिर फैसला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, 20 तारीख तक फिर टल गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सरकार की तरफ से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं वो वर्चुअली जुड़े माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर। हमारे जो मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं वो लगातार उपस्थित रह रहे हैं और आज जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने अनेक तर्क और तथ्य रखे हैं ओबीसी आरक्षण के पक्ष में और न्यायालय से कहा है कि इसमें निर्णय करें। न्यायालय ने 20 तारीख अंतिम सुनवाई के लिए रखी है। जो भी निर्णय आएगा वो उस समय आएगा, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है, आज कांग्रेस कह रही है कि वो अपना वकील उतारेंगे। अब देखिए, ये तो सारा जो मामला बिगड़ा है ये कांग्रेस के कारण ही बिगड़ा है। कांग्रेस ने बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सामाजिक सर्वे के, बिना किसी आर्थिक सर्वे के, बिना किसी शैक्षणिक सर्वे के और एक कागज़ पर लिख के भेज दिया और जब कोर्ट में उसमें सुनवाई हुई स्टे पर, तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट जो है उस समय एडवोकेट जनरल थे कांग्रेस सरकार में, वो स्वयं उपस्थित नहीं हुए। वो कह रहे हैं पक्ष सही से नहीं रख रहे हैं, इसके चलते उनको कहीं ना कहीं अब कोर्ट में उतरना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस राजनीति कर रही है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सॉलिसिटर जनरल स्वयं उपस्थित हुए हैं तब कांग्रेस को ये लगा कि ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और इसीलिए अब ये वकील की बात करने लगे, अधिवक्ता की बात करने लगे। सवा साल, डेढ़ साल तक इनने क्यों नहीं लगाया? जब हाई कोर्ट से स्टे हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं गए? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी रही है। ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को जब फैसला लेना चाहिए था तब उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ राजनीति और वोट के चलते ही कांग्रेस अब अधिकता उतारने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ मैं आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।